देखिए ये पूरा जो है चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति देखिए, दीपावली के होली के समय में कैसे लोग भर भर के जा रहे हैं। हमारे साथ एक आदमी को मार दिया है। क्या बोलता है हम लोग थे। आप लोगों को कोई मारा पिटा है कि नहीं? नहीं, हमारे रूम के बगल में एक बाजू में था, उसको मारा है। उसको मारा है। क्या स्थिति है ये? कंपनी में काम कर रहा है ड्राइवर, वो बोला है कि मेरे आगे सामने मेरे रिलेशन के आदमी को मारा है। सरकार को यहाँ आना चाहिए। सरकार तो आके चुप चुप चला गया। टिकट आप लोगों ने नहीं लिया है क्या? टिकट लिए हुए हैं और उसके बावजूद भी नहीं जा पा रहे। अच्छा, कितना परसेंट लोग अंदर घुस गए हैं? अभी सर मुश्किल से 5% आदमी घुस पाया है यहाँ से। इन लोगों का सबका ट्रेन छूट गया और कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए यहाँ का पुलिस दोषी नहीं। आइए ना तेजस्वी यादव जी, आइए यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। आइए 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 ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ का स्थिति को सबसे पहले सुरक्षित पहले बिहार पहुँचा। उसका क्या बात मांग करेंगे नहीं करेंगे? जीवन बचेगा तो बाद में मांग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी स्पेशल ट्रेन कम से कम 2-3 चेन्नई से चलवाइए कम से कम, और आज का आज चलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है क्या? क्या क्यों नहीं जान दे रहा है लोग? गेट पर देखिए ना कैसे कर रहा। तो उन लोगों की क्या गलती है? ट्रेनवा में जितना आदमी अटेगा उतना ही ना घुसेगा। क्यों दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को जाने में? दिक्कत हो रहा है क्या जाने में? क्या स्थिति है ये? ये होली वाला ट्रेन है जो यहाँ से बिहार जा रहा है, चेन्नई से बिहार जा रहा है, और इसमें स्थिति देखिए कि कैसे जो है जाने का व्यवस्था तक नहीं है। आखिर जो है ये मजदूर कैसे जाएंगे बिहार, ये सभी लोग कैसे जाएंगे? अब देखिए ये समस्या देखिए, और सबको घर जाना है। घर जाना है क्या? हेलो हेलो भैया। और देखिए कहाँ जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? कहाँ जा रहे हैं? बिहार। जगह नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिला सर। टिकट आप लोगों ने नहीं लिया है क्या? क्या टिकट लिए हुए हैं और उसके बावजूद भी नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे हैं। क्या सर, देखिए क्या हाल है पटना का। अब कहाँ से, मतलब कि ट्रेन तो पूरा बोगी भरा हुआ है ना? बोगी भरा हुआ है। आप लोग यहाँ पे धक्का खाते हैं और बिहार में जाति के नाम पे वोट देते हैं? वोट देते हैं जी सर। दिक्कत होता है ना? दिक्कत होता है। बिहार का नेता गलत है सब ना? रुको ना, आराम से बताओ ना, ये सब भगदड़ मचाने की जरूरत थोड़ी है। आराम से बताइए क्या कैसे जाइएगा लोग आप लोग घर? वही तो सर, इसके लिए तो सरकार ने कुछ करना पड़ेगा सर। क्या ये आखिरी ट्रेन है हम सब का जाने का? आखिरी ट्रेन वो भी। अच्छा, कितना परसेंट लोग अंदर घुस गए हैं अभी सर? मुश्किल से 5% आदमी घुस पाया है यहाँ से। अभी पूरा आदमी कैसे जगह से बदलाइए आप? तो पुलिस कहाँ से घुसा दे, उसमें जगह रहेगा तब ना घुसाएगा। ये देखिए ट्रेन में स्थिति देखिए, और इसके लिए बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति देखिए, दीपावली के होली के समय में कैसे लोग भर भर के जा रहे हैं, ये देखिए। इसीलिए तुम रुक, इसीलिए तुम लोगों का आवाज कोई उठाने नहीं आता है। चुप नहीं रहोगे तुम 2 मिनट? हम दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए। अरे रुको ना यार, तुम्हारा ही दर्द दिखा रहे हैं, चुप रहो ना। अरे रुको ना यार, तुम्हारा ही दर्द दिखा रहे हैं, चुप रहो पहले। ये देखिए स्थिति कैसा है, और उसमें भी ये लोग हाला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए स्थिति कैसा है, देखिए कैसे जाएंगे बिहार में ये लोग, अपने परिवार के साथ कैसे होली मनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तो ट्रेन खुल गया है, ये लोग बिहार जब चले जाएंगे सारा दर्द भूल जाएंगे और जाति के नाम पे वोट देंगे। देखिए स्थिति देखिए। और इसके लिए बहुत बेहुदा आदमी आ रहे तू,
कौन है ये? मैं मुझे रिपोर्टिंग करने देगा कि नहीं तुम लोग? हल्ला मत करो भैया जो बोल रहे हो। तुम्हारा नेता तो आता नहीं है, जिस नेता को तुम लोग वोट देते हो, और यहाँ पे जो आ रहा है उसको भी मार। अभी ऐसे हल्ला समझो पहले बात को, बात समझते नहीं, समझो पहले बात को। ये देखिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ये होली का जो है आखिरी ट्रेन है। आज ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तो समझिए समय पर नहीं जाएंगे। दानापुर ये ट्रेन जा रहा है, इस ट्रेन में जगह है नहीं है। अगर तुम चढ़ोगे, अगर रेल एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर तुम ट्रेन से गिर गए, कट गए, मर गए, तो फिर तुम पुलिस को करियाओगे? अरे सुनो पहले बात सुनो, इन सब चीजों के लिए बिहार का नेता दोषी है। ये चीज है, ये समस्या है। और ये देख ट्रेन चला गया है, अभी भीड़ आप देख सकते हैं। ट्रेन जाने के बावजूद जो है इतना सारा लोग जो है अभी स्टेशन पे छूट गए, और ये लोग इस उम्मीद से आए थे कि इन लोगों को जो है ट्रेन मिलेगा, लेकिन ट्रेन नहीं मिला। और इसके लिए यहाँ का प्रशासन दोषी नहीं है। ए यार गजब तुम लोग हो यार, कब सुधरोगे यार? हमारे सीएम कब सुधरोगे? होईपी वाला टोपी वाला कब सुधरेगा रे तू? ऐसे ऐसे बेहुदा के चलते जो है सब लोग परेशान होते हैं। ये चीज है, ये चीज है। इन लोगों का सबका ट्रेन छूट गया, और कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए यहाँ का पुलिस दोषी नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं इसके लिए जो है बिहार के लिए जो ट्रेनों का व्यवस्था किया जाना चाहिए वो दोषी है, वो दोषी है। और सबके लिए व्यवस्था होना चाहिए था। और रुको ना, ये लोग तो अच्छे आदमी है कि तुम लोगों को बैठा दिया यार, समझता नहीं है बात। सर, इसके लिए हमारे नेता, हाँ वहाँ के ये लोग मेहनत कर रहे हैं बेचारे, दिन रात मेहनत करके इन लोगों को क्या बोलोगे तुम लोग? इसके लिए प्रशासन, यहाँ का प्रशासन दोषी नहीं है। इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है बिहार के नेता दोषी है, जिसके वजह से जो है परेशानी होती है। यहाँ के पुलिस वाले तो ठीक है कि कम से कम जो है जिस भी प्रकार से जो है सबको बिठा दिए ट्रेन में, अब ट्रेन में जगह ही नहीं है तो कहाँ से बैठाएंगे ये बेचारे लोग, कहाँ से बैठाएंगे? ये सच्चाई है। और ये रेलवे स्टेशन पे देखिए, ये लाइन से जो है बिहारी मजदूर है, लाइन से बिहारी मजदूर है। और ये लोग बिहार में जब जाते हैं ना, तो ये लोग जो है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ। और मेहनत करना पड़ता है बेचारे इन पुलिस वालों को, इन लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ता है। देखिए ये सच्चाई है, तो इस दृश्य को बदला जाए, और हो सके तो बिहार के नेता बिहारियों को बिहार में रोजगार दे, बिहारियों को बिहार में रोजगार दे, वरना जो है। और इसके लिए जो है तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु का प्रशासन दोषी नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोग, बिहार का सिस्टम और बिहार का नेता दोषी है। ये देखिए ये पूरा जो है चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे स्थिति देखिए कैसा है। बस विनती है कि आप लोग जो है थोड़ा सा सुधरने का प्रयास कीजिए, रुकिए ना, सुधरने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है कि बिहार को सुधारने का प्रयास कीजिए। सर हमारे नेता से बोलिए कि गाड़ी स्पेशल कर हम लोग के जाने के लिए। कैसे सर हम लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे? हमारे नेता को बोलिए कि हल्ला कीजिएगा लोग, तो क्या यही दिक्कत होगा ना? हम देखिए इनको फोटो जरूरी है, हमको रिपोर्टिंग करने दीजिए ना, बाद में फोटो ले लीजिएगा बबुआ, ये चीज है। और बस बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाए, व्यवस्था किया जाए, और कोई भी नेता आए और जातीय जनगणना करे यहाँ पे, देखे कि कौन कौन से जाति के लोग यहाँ पे परेशान है। हर एक गरीब जाति के लोग परेशान है, गरीब परेशान है, और उनके लिए जो है कोई भी बिहार का नेता आवाज नहीं उठाता है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? और यहाँ से सबसे ज्यादा जो है ट्रेन खुलता है बिहार के लिए, सबसे ज्यादा। और यहीं पे जो है तीन ट्रेन खुलता है ना, और ये चेन्नई का रेलवे स्टेशन है। हम सफर अभी सात बजे है ना, और उम्मीद है कि इन लोगों को देखिए, ये पूरे इसमें से 90% बिहार के लोग हैं, 90%। और उसके लिए जो है ना बिहार का नेता दोषी है, बिहार का नेता दोषी है। देखिए आइए ना तेजस्वी यादव जी, आइए यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आइए 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 ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ का स्थिति देखिए,
इस रेलवे स्टेशन का कि कैसे जो है बिहार के लोग परेशान है। रे बबुआ हट ना जो थोड़ा सा सामने, सामने, यही तुम लोगों का ये चीज है। अभी तेजस्वी परेशान है, आए थे अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे मनाने के लिए। यहाँ पे तो हर एक जाति के लोग परेशान है, सब मजदूर है, सब गरीब है, सब गरीब है। और ये चेन्नई का रेलवे स्टेशन है, चेन्नई का रेलवे स्टेशन है और पेरम्बूर रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे जो है मजदूर परेशान है, इन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाए, किसी भी हाल में इन लोगों के लिए व्यवस्था होना चाहिए, इन्हें घर पहुंचाया जाए और पूरा सुरक्षा के साथ घर पहुंचाया जाए। बस महाराष्ट्र में हम लोग के मारा गया बिहारी को, गुजरात में हम लोग का मारा गया, तीसरा तमिलनाडु में हम लोग का मारा गया, और क्या बोलता है अपना इधर 20 साल पहले अपने तमिलनाडु में पहले भी मारा गया है, असम में मारा गया, कहाँ नहीं मारा गया हम लोग, मतलब 20 साल तक वो है बिहारी को खाली करने की, नहीं तो जान से मारा जाएगा। ऐसा नहीं है, बस आप लोग सही से रहिए यहाँ पे, और बिहार में जब आप लोग जा रहे हैं तो बिहार के नेताओं से सवाल कीजिए, अगर बिहार के नेताओं से सवाल नहीं कीजिएगा तो बाबू आपको भी मार खाना पड़ेगा, आपको भी मार खाना पड़ेगा, आप सभी को मार खाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिहार में जाके बिहार के सही नेता का चुनाव कीजिएगा आप लोग, बिहार के नेता के सामने हम लोग के मूर्छित कहाँ करता है सामने, हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग के सामने नेता क्यों। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर है कि नहीं, और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर वोट देते हैं, तो गलत नेता को कौन वोट देता है, मजदूर ही। यहाँ पे आप लोग मजदूर हैं, मजदूर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे पासवान जी हो, सब लोग जो है बिहारी मजदूर है, है कि नहीं है। लेकिन बिहार में जाते हैं तो वोट जाति के नाम पे देते हैं, जाति के नाम पे आप लोग वोट मत दीजिए, बिहार हमारा बदल जाएगा। ठीक है सर। और अगर आप लोग जाति के नाम पे वोट देंगे तो हमारा बिहार नहीं बदलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों को टिकट मिला है ट्रेन में, 95% लोग घर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। आप लोगों को भी अपने परिवार के साथ होली मनाना है, अगर चाहते हैं कि अगली बार भी आप लोग अपने परिवार के साथ होली मनाएं तो कम से कम ये बदमाशी मत कीजिए लोग, पहला चीज। और दूसरा चीज कि कम से कम आप लोग जो है बिहार में जाके जो है जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, जातिवाद मत कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी स्पेशल ट्रेन कम से कम 2-3 चेन्नई से चलवाइए कम से कम, और आज का आज चलना चाहिए, तब जाके ये लोग समय पे अपने घर पहुंच पाएंगे। सर हमको कहना यही चाहिए, एक मिनट हमको कहना सर, पहला सांग हमको यही कहना है कि हम लोग को सबसे पहले सुरक्षित पहले बिहार पहुंचा, उसका क्या बात मांग करेंगे नहीं करेंगे, जीवन बचेगा तो बाद में मांग करेंगे, हम लोग बिहार में 2 रोटी कमा के खा लेंगे, लेकिन पहला डर है चाकू मारने का। तो पहले सुरक्षित आप घर पहुंच, पहले सुरक्षित सर, लेकिन यहाँ का सरकार बोल रहा है कि ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है। हमारे साइड एक आदमी को मार दिया है, क्या बोलता है हम लोग थे। आप लोगों को कोई मारा पिटा है कि नहीं? नहीं, हम लोग हमारे रूम के बगल में एक बाजू में था, उसको मारा है। उसको नटी लगा दाब दिया था लोकल। यहाँ का सरकार बोल रहा है कि कोई ऐसा घटना नहीं हो रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहा है कि कोई ऐसा घटना नहीं हो रहा है। कंपनी में काम कर रहा है ड्राइवर, बोला है कि मेरे आगे सामने मेरे रिलेशन के आदमी को मारा है, हम लोग के मौके पर आएंगे तब तो बताएंगे सर। तो सरकार को यहाँ आना चाहिए, सरकार तो आके चुप चुप चला गया। सरकार जो है 4 IAS अधिकारी को भेजा है, बड़ा बड़ा अधिकारी को, वो लोग आपके आप लोगों के बीच में आए क्या? कहाँ आए सर, यही तो बात है, क्या पाए, बहुत बड़ा सुंदर काम है जो क्या जसपी यादव 4 को कोई IAS आए, हम लोग के कहाँ पर घट हुए। बाकी हमारा ये प्रयास और इन लोगों का मजदूरों का यह संघर्ष आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो बिहार के लोगों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद। रुको बस, और इसके लिए जो है मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, तमिलनाडु का ना कोई नेता दोषी है, ना यहाँ का प्रशासन दोषी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार का नेता दोषी है और बिहार का सिस्टम दोषी है, जिसके वजह से जो है इन लोगों को परेशानियों का सामना हर बार करना पड़ता है, होली में, दीपावली में, छठ में, हमेशा करना पड़ता है। जय हिंद।